हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह जो कि देख सकते हैं रात 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, सेम टू सेम वही पैटर्न आपके हैं और आपके वही क्वेश्चन आपके ऐसे ही आपको मिलते भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया, गद्यांश बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा सा है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्री और रिहायशी भवनों के नाम पर गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है और बिना पानी सब सून, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण दूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी, इस कारणवश पृथ्वी का मानव विहीन हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल छोटा गद्यांश था और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। यहाँ पर देखो दिया गया है दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक इनमें से क्या था, किसके बारे में फोकस किया था, गद्यांश में किस चीज पर केंद्रित कर रहा था, किस पॉइंट पर। तो दोस्तों यहाँ पर जल का महत्व है ना, जल का महत्व, और कौन सा ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महत्व जो लिखा है वो आपका ये वाला राइट लिखा है, क्लियर है। और अगला आपसे दिया गया है धरती पर कितना भाग पानी है, चलिए बताइएगा कि धरती पर कितना भाग पानी है, 2 का ऑप्शन दीजिएगा सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 2 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखिए सी नंबर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका, 3 भाग यहाँ पर पानी है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है हरियाली किसके कारण होती है, हरियाली किसके कारण होती है। दोस्तों यहाँ पर हरियाली होती है जल के कारण, किसके कारण, जल के कारण होती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर हरियाली के विनाश का कारण क्या है हो सकता है, भाई हरियाली के विनाश का क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में हरियाली के विनाश का क्या कारण है, है ना। तो देखिए इंडस्ट्रीज बन रही हैं, रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन किया जाता है, है ना, गलत निर्णयों के कारण हरियाली का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन होती है हमें हरियाली से ही ऑक्सीजन मिलती है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। गद्यांश देखो बहुत प्यारा था, बहुत ही आसानी से आपने गद्यांश को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और आज गद्यांश को सॉल्व भी किया है तो आपको यहाँ पर 45 नंबर आपको देना है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन आज का टारगेट आपका 45 है जिसमें 5 नंबर आप लोगों ने बिल्कुल सही कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर 45 में से 40 लाना है, जो कि एक लक्ष्य आज का काफ़ी कठिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग इस लक्ष्य को पा पाते हैं या नहीं पा पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, कह रहा है विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। चलिए विद्यार्थी, तो आप इसे तोड़ेंगे तो बनेगा विद्याधनार्थी, क्या बनेगा, विद्याधनार्थी, कौन से ऑप्शन की ओर, ऑप्शन यहाँ पर सी ओर, यहाँ पर देखिए विद्याधनार्थी हो जाएगा। यहाँ पर जो मात्रा है वो किसकी है, बड़ा की मात्रा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी छोटा की मात्रा है। ऐसा कोई रूल आपने पढ़ा होगा संधि में जहाँ पर छोटा बड़ा मिलता होगा, है ना, तो यहाँ पर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मिलकर तैयार होता है बड़ा की मात्रा, और बड़ा की मात्रा आती तो आप कहेंगे ये दीर्घ हो गया, क्या हो गया, दीर्घ, इसका मतलब ये दीर्घ स्वर संधि है, तो आप समझे आपका सी नंबर, क्लियर हुआ। आगे बढ़ेगा, कह रहे हैं राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी का अध्यादेश वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है। चलिए दोस्तों बताना है राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी का अध्यादेश यहाँ पर क्या हो जाएगा। दोस्तों 7 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, अध्यादेश होता है, क्या बनेगा, अध्यादेश, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द आपको बताना है, यहाँ पर रूढ़ शब्द आपका कौन सा है। तो चलिए रूढ़ मतलब होता है जिसका खंडन ना किया जाए, और अगर जबरदस्ती खंडन कर भी रहे हैं तो उसका कोई उचित अर्थ भी ना निकले, है ना। तो यहाँ पर देखिए दूध वाले में इसको तोड़ेंगे तो 2 खंडों में टूट जाएगा, घुड़सवार में भी 2 खंड में टूट जाएगा, कोई ना कोई मतलब निकलेगा, लंबोदर तो आपका विशेष निकल ही रहा है, लेकिन नाक को अगर तोड़ेंगे तो भाई नाक से फिर कोई मजा नहीं आएगा, इसे तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, अर्थात यही क्या है, रूढ़ शब्द आपका है, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर आपका हो जाएगा, क्लियर है। टूट जरूर जाएगी नाक, ठीक है, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगी ना आप जीवित रहेंगे। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्यांश में किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को समझ कर दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, कह रहा है बड़े चोर, तो देखिए बड़े चोर अर्थात ये हो गया विशेषण, ये हो गया क्या, चोर हो गया विशेष, ये सही दिया गया है। आधा शब्द जो होता है वो विशेषण होता है, और चोर क्या है आपका, विशेष दिया गया है, 8 यहाँ पर विशेषण है, और जो बड़े चोर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये आपका विशेष हो जाएगा, लेकिन पुलिस की लापरवाही इसमें ना भाई, भाई विशेषण और विशेष है क्या, नहीं है ना। तो देखिए लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम इनमें से क्या है।
चलिए, बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुके हैं, उपन्यासकार का नाम इनमें से क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जवाब लगभग सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर भी हो जाएगा शरद चंद चट्टोपाध्याय, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। देखा जाए तो पहली बार आपके कुंदन लाल सहगल और जो कि अभिनेता थे, अभिनीत थे आपके, और दूसरी फिल्म में दूसरी वाली दिलीप कुमार और जो कि बजंती माला में, और तीसरा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि माधुरी दीक्षित और सुरा राय, ये अभिनेता आपके रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका इसका भी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आपकी आती है। चलिए हड़ौती बोली किसके अंतर्गत आती है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर बिहारी, पहाड़ी, कन्नड़ और राजस्थानी आप क्या जवाब देंगे? चलिए 11 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, राजस्थानी। दोस्तों हमने बताया है कि राजस्थान में भी आपकी 4 बोलियां हैं। कुछ लोग यहाँ पर उत्तर जो पूरब में रहते हैं, है ना, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे पूर्वी जो कि राजस्थान है, इसे जयपुरी के नाम से बोलते हैं, या तो इसे हम लोग ढुंडाही के नाम से बोलते हैं, है ना, या तो इसे हड़ौती बोल देते हैं। यहाँ पर जो आपके होते हैं मारवाड़ लोग रहते हैं, तो मारवाड़ी बोलते हैं जो आपके पश्चिमी राजस्थान में। उत्तर में आपके रहते हैं मेवाती, है ना, तो आपके मेवाती बोलते हैं, और दक्षिण में बोलते हैं मालवी, तो यहाँ पर मालवी। अर्थात 4 आपकी भाषाएं राजस्थान में भी बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बन गया वो आपका डी नंबर है, राजस्थानी हो गई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों को ध्वनियों के साथ आपको जोड़ना है। ये बताइए जो गाय होती है ना, कक्षा 1 का क्लास है, बिल्कुल कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है, जो गाय होती है वो क्या करती है, कहेंगे रंभाती है। क्या बोलती है, रंभाती है। तो यहाँ पर तो आपका ये हो गया। मक्खियाँ क्या करती हैं भाई, भिन 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 करती हैं, है ना, तो भिन भिना देती हैं, यहाँ पर भिन भिन हो जाएगा। मेढक क्या करते हैं भाई, टर टर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया। और कोयल क्या होता है, कूकती है, बिल्कुल 1 नंबर आपसे फ्री मिल गया, और बचपन की याददाश्त भी आपकी ताजी हो गई, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट क्या लेना है, इसमें कोई लेने की बातें नहीं है। आगे बढ़िए, कह रहे हैं लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए, जिन रूप से ये लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए 13 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए दोस्तों इन्हें कहते हैं लिपि, है ना, क्या कहते हैं, लिपि। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इन्हें लिपि कहा जाता है, लिपि, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे तीसरा शब्द का संविच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या निकल कर आएगा या क्या प्राप्त हो सकता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 14 में, और 14 के भी यहाँ पर ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं, और आपका जवाब देखिए जवाब आ रहा है तीसरा। चलिए बी नंबर, चलिए काफी लोग यहाँ पर बी नंबर दे रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर सी भी दे रहे हैं, बढ़िया प्रयास है, और अच्छा प्रयास करिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तीसरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? चलिए तीसरा में रा आपका आ रहा है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है, यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तो चलिए 15 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 नंबर में तद्भव शब्द, प्रस्तर दिया गया है, जामुन दिया है, तैल दिया है, और आपका पौत्र दिया गया है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है 15 नंबर में आपका बी नंबर, है ना, ये जामुन है दोस्तों, ये क्या है आपका, तद्भव है। तो अच्छा इतने लोग आप लोग जुड़े हैं, तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जामुन का तस्म होता क्या है, जामुन का जो तस्म होता है तो होता क्या है, आप लोग जवाब दीजिए। वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हैं, है ना, एक बार सभी लोग दोस्तों यहाँ पर एक साथ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग, यहाँ पर 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड के समय में ही आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करिएगा, तो 30 सेकंड के बाद ही अगले क्वेश्चन में हम पहुँचेंगे। तो सभी लोग मिलकर सभी लोग यहाँ पर लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए जम्बुक होता है या जम्बू होता है, क्या होता है भाई, जम्बू होता है, वेरी गुड, जम्बू होता है, याद रखिएगा जम्बू कैसे होता है, जम्बू होता है, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है, यहाँ पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है, और 16 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य को पहचान लीजिए जल्दी से। कह रहा है मैं तुमको, तो भाई तुमको शब्द आपका बनेगा नहीं, ये गलत हो गया है उसे। अगला है मैं तो बनेगा ही नहीं किसी प्रकार से, है ना, मैं होगा। यहाँ पर प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, देखो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और हिंदी में कभी रंगबाजी होती नहीं है, रंगबाजी समझते ना है कि मेरे को और तेरे को, ये शब्द बोला नहीं जाता हिंदी में, है ना, और जो शब्द ये बोलता है मेरे को तेरे को, इसका मतलब वो बहुत रंगबाज व्यक्ति है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं उसको हवा लग गई है दिल्ली दिल्ली की, इसलिए वो तेरे को मेरे को बोल रहा होगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर दिया गया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए बताइएगा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यहाँ पर 17 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका 1893 में, कब 1893 में की गई थी, और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं संकेतवाचक अव्यय नहीं है, संकेतवाचक अव्यय नहीं है, मतलब ऐसा अव्यय आपको बताना है जो संकेत ना कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया गया है यद्यपि,
यद्यपि का मतलब यह हुआ कि अगर वो नहीं आता तो ऐसा यद्यपि तथापि और तब कहीं ना कहीं जोड़ रहे होंगे ना, दो चीजों को जोड़ रहे होंगे, और जब जोड़ रहे होंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले वाले सेंटेंस को ये संकेत दे रहे होंगे, है ना। और ये शब्द आपको किसमें मिलते हैं, ये शब्द आपको मिलते हैं जब आप बनाते हैं मिश्र वाक्य बनाते हैं, ठीक है ना। मिश्र वाक्य बनाते हैं तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य होता है जिसका दूसरे के साथ क्या होता है, मेल होता है। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं ये संकेत कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो दिया है ताकि, ताकि शब्द आपका ये होता है जैसे कि मान लीजिएगा कि आपके संयुक्त वाक्य हो गया तो दो खंड आपके होंगे तो इसमें संकेत नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो ताकि शब्द आपका है ये संकेत के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से पुरलिंग शब्द आपका कौन सा है, पुरलिंग की पहचान करिएगा। यहाँ पर पुरलिंग आपसे कौन सा हो जाएगा, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बढ़िया प्रयास है आप लोगों का। यहाँ पर देखिए 19 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, कह रहा आपसे गरीबी कैसी है, गरीबी कैसी है तो ये बन सकता है क्या भाई, बीमारी आपका नहीं बनेगा, है ना। अगर बीमारी नहीं बनेगा तो ये ऑप्शन यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए तास कोशिश प्रार्थना दया कृपया, देखिए डी बारे में आइए, यहाँ पर जो दिया गया है पानी घी और दही, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया डी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर पानी है, घी है, दही है, ये क्या है आपके पुरलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से सर्वनाम पहचानना है, सर्वनाम की पहचान करिएगा कि घर, आप, पहाड़ और नदी, इनमें से सर्वनाम क्या है। तो आप कहेंगे जो आप शब्द आपका दिया गया है, आप शब्द जो दिया गया है यही तो सर्वनाम होगा ना। तो यहाँ पर देखिए 20 का जो ऑप्शन है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। आप जो दिया गया है वो निजवाचक है और शेष जो दिया है घर है, पहाड़ है, नदी है, ये सब संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्याय नहीं है, यमुना का पर्याय नहीं है, तो चलिए बताइएगा कौन सा पर्याय नहीं है। देखो कालिंदी तो होता है, आप लोग जानते हैं कालिंदी तो होता ही होता है, फिर यहाँ पर श्यामा भी होता है, रवि सुता भी होता है, लेकिन यहाँ पर डी नंबर जहावी जो दिया गया है ना, जहावी नहीं होता है। तो अगर आप लोग जहावी बता देंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं और आपको पर्यायवाची आपको जरूर आती होंगे, तो ये बताइएगा जहावी होता है, किसका होता है, चलिए कमेंट करिए। फर्स्ट सबसे पहले जवाब देना है, गंगा का आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर जो जहावी है ना ये गंगा का पर्यायवाची होता है, गंगा हो गया, देव नदी हो गया, मंदाकिनी हो गया, सुर सरिता हो गया, है ना, सुर ध्वनि भी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ेगा, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष वर्ण की पहचान करना है, और अघोष की अगर बात किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, हमने बताया था अघोष वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग में, जो पहला वर्ण होता है और दूसरा वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं, शेष जो आपका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं ये होते हैं सघोष, है ना। तो अब आप ही बताइएगा कि इसमें जो चा है तो पहला हो जाएगा, इसका मतलब है आपका जो 22 नंबर का है वो आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है 23 नंबर में, चलिए किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस को कहते हैं, किसे कहते हैं, तो आपके श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 में, और 24 के यहाँ पर देखिए दिया गया है आज आकाश में छाए हैं, क्या छाए भाई, आज आकाश में बादल छाए हैं। अब ये बताइएगा बादल की पर्यायवाची आपको यहाँ पर ढूंढना है, अब आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि बादल की पर्यायवाची इनमें से है कौन सी है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो 24 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर जलधि, अच्छा जलधि होता है क्या भाई, जलधि नहीं होता है भाई, जलधि होता है समुद्र का, जलधि ये होता है समुद्र का होता है, किसका होता है, ये समुद्र का होता है, ये तो आपका होगा नहीं, जलज ये आपका ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी आपका नहीं होगा, जलज ये भी नहीं होगा, ये तो जलज ये भी नहीं होगा, है ना, और नीरज, नीरज ये जलज और नीरज ये कमल के होते हैं। अब हमने बताया था जो द शब्द होता है बादल में होता है, बादल में, तो बस यहीं से आप निकाल लीजिएगा जलद, है ना, नीरद, जब द शब्द आ जाए तो समझिए बादल के हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जलद भर देना है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अभिकारी होता है, कौन अभिकारी होता है, यहाँ पर 25 को ऑप्शन देना है। चलिए अभिकारी मतलब जिसका विकार नहीं किया जा सके, जिसका विकार नहीं किया सकते, तो भाई यहाँ पर देखिए जो आपका अव्यय है इसी का विकार नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर जो आंसर आपका है अव्यय, ये अभिकारी होता है। हाँ यहीं पर अगर एक पॉइंट और होता, क्या क्रिया विशेषण हो जाता, क्या हो जाता, क्रिया डैश करके विशेषण, क्रिया विशेषण साथ में जो होता है तो ये भी अभिकारी होता है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम है ना, क्रिया विशेषण ये तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन क्रिया विशेषण का परिवर्तन नहीं हो पाता है, इस कारण से पहला ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें से आपका कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह,
बिल्कुल बात जब यहाँ पर मिल जाए तो फिर आपको कोई सोचने की जो आवश्यकता नहीं है, आपकी मेमोरी बिल्कुल लिमिट में है, तो उस लिमिट मेमोरी का प्रयोग करें और यहाँ पर आंसर लगाइए बी नंबर, आपका आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है, पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली क्लास होती है और डेली टेस्ट आप लगाएंगे, 15 से 20 दिन लगाएंगे ना, तो आपने आप कहोगे कि नहीं हमको हिंदी आती है, हिंदी बहुत सरल आपकी है, वाकई में हिंदी बहुत सरल है। अगर आपको हिंदी सरल नहीं लगती है, मात्र 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन में आपको जो टॉपिक नहीं आता उसको किताब से पढ़िएगा और लगातार टेस्ट लगाइएगा, हिंदी सबसे सरल लगेगी मात्र 15 दिन में दोस्तों, मात्र 15 दिन में, लेकिन आपको बेसिक आना जरूरी है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि आजकल भारत की जनता, और जनता जो शब्द आपका है दोस्तों ये क्या होता है, चलिए ये सदा एक वचन में होता है, याद रखिए जनता जो है ये सदा एक वचन में होती है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, निस, और निस से बना क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर बनेगा या यहाँ पर आपका डी बनेगा, दोनों में देखिएगा आपका आंसर में से क्या जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका निस्तेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आधा सा निकाला गया है और आधा सा की अगर बात किया जाए तो आधा सा जो आपका है यही सूत्र निकल कर आएगा ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे धोबी शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। चलिए कोई लोग कह रहे हैं कि सर हम 4 साल से पढ़ रहे हैं और हमें नहीं आ रही है, तो ये बताइएगा 4 साल में अगर आप कहीं सिलेक्ट हो जाते तो आप इस क्लास में नहीं होते, क्यों भाई, अगर आप 4 साल में लगातार पढ़ रहे हैं और सरकार अगर आपकी अच्छी होती और आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्लास में नहीं होते, है ना, बस मेहरबानी योगी जी की है, मेहरबानी आपकी है कि भाई कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर मजबूरी है कि अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो सब कुछ जो पढ़ाया वो बेकार हो जाएगा, जितना भी आपने पढ़ाया है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं सभी लोग जुड़े हुए हैं और इसीलिए बेहतर तरीके से रिविजन भी हो रहा है, ठीक है ना, है ना, दोष आपका है, बस सरकार का दोष है कि वैकेंसी थोड़ी कम आ रही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 29 नंबर है ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर धोविन जो आपका है ऑप्शन बी, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए बताइएगा शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो चलिए शेर वाले में लॉग लगाइए, यहाँ पर देखो केसरी दिया गया है, यहाँ पर शार्दुल दिया है और यहाँ पर मृगेंद्र दिया है, मतलब पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी का राम राज्य का सपना आज तक नहीं हुआ, तो ये बताइएगा कि 31 ऑप्शन मरेंगे क्या, साकार नहीं हुआ है ना, गांधी जी का राम राज्य का जो स्वप्न है आज तक यहां पर साकार नहीं हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है। चलिए उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा यहां पर दंत दिया गया है, तो चलिए 32 नंबर को बताना है दंत। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है बी नंबर ला, है ना, ला ये जो आपका आता है किसमें आता है, दंत में आता है। इसमें क्या होता है, इसके उच्चारण में जीवा दांतों के पिछले भाग में क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है ना, तो स्पर्श करती है तो आप कहेंगे कि ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप देखेंगे तो दंत तो आपका होता है किसमें, जैसे आपका ता होगा, है ना, ता था दा दा ये आपके होते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य में जिस अंश में त्रुटि हो उसे आपको बताना है, और अगर त्रुटि नहीं हो तो आप लोग डी लगा दीजिएगा। तो चलिए कह रहा आपसे प्रति जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, यहाँ पर त्रुटि है या नहीं 33 नंबर में। चलिए 33 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो सकता है, चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है जागृति, कह रहा है संस्कृति जागृति के पीछे, के पीछे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि संस्कृति जागृति के बाद, है ना, के बाद का प्रयोग करते तो ज़्यादा बेटर हो जाता, ये शब्द आपको निकाल के यहाँ से अगर बाद रख देते तो ज़्यादा सही होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पीछे नहीं लगाना है, बाद लगाना है, के बाद का प्रयोग होना उचित आपका है, ठीक है, क्लियर है ना। संस्कृति जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है, ऐसे बोलेंगे इसे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यार निम्नलिखित में से 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम क्या है, निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, और क्वेश्चन यहाँ पर काफी दूर है तो इसे हम स्किप कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर छोटा करेंगे तो आपको पूरा दिखेगा भी नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन को 1 नंबर आपको दे रहे हैं, ठीक है, हाईकोर्ट के दरवाजे से 1 नंबर छीन कर आप सभी को यहाँ पर दे दिया है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध यहाँ पर कौन सा है, अशुद्ध आपसे पूछा गया है, अशुद्ध इनमें से क्या होगा। देखिए यहाँ पर कवित्री बिल्कुल सही दिया गया है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो कवित्री आपको पढ़ा नहीं है, है ना भाई, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कवित्री ना आया हो, सब में आता है। अगला दिया विभीषिका, ये भी सही है, ज्योत्सना भी सही है। यहाँ पर देखो दिया गया प्रशंसा, अभी बताइएगा जो प्रशंसा है गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर प्रशंसा जो आपका ये गड़बड़ है, प्रशंसा होता कैसे है, कैसे लिखेंगे भाई प्रशंसा, प्रशंसा कैसे लिखेंगे भाई, सही लिखा है क्या,
बताइए, प्रशंसा सही लिखा है क्या कि गड़बड़ लिखा है? बताइए कैसे है, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे बी नंबर, वेरी गुड। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर टाइप भी किया है, ऐसे लिखा जाता है प्रशंसा में, क्या होता है ऐसे करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा निकल कर आ गया। चलिए देखो यहाँ पर देखा जाए तो प्रशंसा में ऐसे ये जो आपका सा है ना, ये बाद वाला, वो पहले आ जाता है, ठीक है, वो पहले आ जाता है और इसके बाद इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं प्रशंसा, ठीक है ना, क्लियर आ गया ना, प्रशंसा ऐसे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के लिए रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है, किसकी, यहाँ पर स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता की संज्ञा क्या बनेगी, तो 36 को ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है, ये भाववाचक संज्ञा है, क्या ये भाव को दर्शा रही है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महर्षि के लिए सही संविच्छेद आपको बताना है, महर्षि के लिए सही संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा 37 नंबर में, तो यहां पर देखिए महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा महाधन ऋषि, अर्थात यहां पर आप कहेंगे कि बड़ा की मात्रा है, क्या है बड़ा की मात्रा है, और यहां पर क्या है आपका ऋषि है, क्या है भाई ऋषि है, ऋषि हो जाएगा, ऋषि ऋषि हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर अर निकल के आता है, और अर निकल के आता है मतलब ये गुण संधि का है, क्या ये गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला दिया गया है कि जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो, है ना, और उससे समुदाय का बोध हो, है ना, तो उसे कहते हैं जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दशरथ सुतते हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये किस रचनाकार की पंक्ति है? दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा 39 नंबर में वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, वैसे भी आपको लगातार हमने पढ़ाया भी है, आप लोगों के लिए ये आपका होमवर्क है जिसे आपको कर दिखाना है, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वो भी यहाँ पर ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन दे दीजिएगा, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ठीक है ना। चलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं, मतलब इसको छोड़ रहे हैं, आप लोगों को जवाब देना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद बताना है, मतलब दिया गया है एथोराइजेशन लेटर विद स्पेसिमैन सिग्नेचर ऑफ द वियरर, इसका पूछा गया है हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो इसका हिंदी अनुवाद होता है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्रतिकार पत्र, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे नारी कुमुदिनी अवध पर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय प्रगति गई भई निरखि राम राम राकेश, इसमें अलंकार पूछा गया है 41 नंबर में, तो यहाँ पर अलंकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलंकार आपका है आपका रूपक अलंकार है दोस्तों, यहाँ पर कौन है रूपक अलंकार जो कि ऑप्शन है, यहाँ पर आपका ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो राम है क्या है, यहाँ पर जो राम है राम ये क्या है आपका उपमेय है, और जो राकेश है क्या है आपका उपमान है, जिनमें से दोनों में क्या एक रूपता को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका तो आपका रूपक अलंकार है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि रामचरित मानस की भाषा क्या है, रामचरित मानस की भाषा पूछा गया है 42 नंबर में, तो आप कहेंगे राम थे अयोध्या से, और अयोध्या से तो आप कहेंगे अवधि, अवधि आपका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है धूरी भरे अति शोभित श्याम जूत ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन पर पैंजी पैंजी बाजत पीरी कसोटी, इसमें से कौन सा रस आपसे दिया गया है, तो चलिए बताइएगा यहाँ पर 43 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, दूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यहाँ पर जो आपका है कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आपका क्या है वात्सल रस है, क्या है वात्सल रस है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें कहते हैं देशज शब्द, क्या बोलते हैं देशज शब्द, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है बेड़ा पार हो जाना मोहरे का अर्थ क्या होता है, बेड़ा पार होना मतलब होता है योजना में सफल होना, योजना में सफल होना पहला ही ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दशानन में कौन सा समास है, चलिए बताइएगा दशानन में समास पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए दशानन की अगर बात किया जाए तो बहुवरी समास हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर है बहुवरी समास आपका आंसर है राइट हो जाएगा, क्योंकि एक विशेष अर्थ निकलेगा और विशेष अर्थ यहाँ पर आपके रावण को कहा जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन ए नंबर। अगला दिया गया है भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां, अब ये बताइएगा भ्रांतिमान अलंकार होता क्या है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार ऑप्शन में बताइएगा, कह रहा है कि गुण और धर्म आदि के सदृश के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, मतलब पहला ही पॉइंट आपका सही है कि जहाँ गुण और धर्म देखने में आपको कैसा लगे कि उपमेय और उपमान समझ लिया जाए, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, 47 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर तिरस्कार का संधि क्या बनेगा, तिरस्कार का संधि पूछा गया है, तो चलिए यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए भाई तिरस्कार की अगर बात किया जाए तो आपसे बनेगा क्या,
यहाँ पर आंसर आपका जवाब लगभग सही है 48 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा विनम्बर तिराह धनकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिराह धनकार हो जाएगा, अर्थात ये जो आपका आधा सा है ना, ये विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। ये संधि के ट्रिक के अंतर मतलब संधि में आपका एक पहचान होती है ना। मतलब ये होता है कि का वर्ग आने पर जो विसर्ग होता है वो सा में परिवर्त होता है, इसका मतलब सा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा बी नंबर। अगला आपसे दिया गया है कि भभूत का तत्सम क्या होता है, भभूत का तत्सम पूछा गया है, भभूत का तत्सम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर विभूति हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर ये नंबर है, विभूत हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है जमीन आसमान एक करना मुहर एक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर 50 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 50 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या होता है? जमीन आसमान एक करना, यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा घोर प्रयत्न करना। क्या? घोर प्रयत्न करना। एक क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अलका जयशंकर साथ के किस नाटक की पात्र है। यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन कल भी बताया था और ये आज क्वेश्चन आपका आ गया है, तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पर अलका जयशंकर किस नाटक के पात्र हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर दीजिएगा, 44 को ऑप्शन में से क्या बनेगा? चलिए 44 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा? डी नंबर है, ये चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये आपके चंद्रगुप्त से हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? बताइएगा कि अशोक के फूल निबंध के रचयिता इनमें से कौन है 45 नंबर में। और 45 की अगर बात किया जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया गया है, आपके कलम का सिपाही, चीड़ों का चांदनी, अर्धकथानक। यहाँ पर देखिए आप अर्धकथानक लिखा जाए, अर्धकथानक है ना, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक, ठीक है ना। और इसकी रचना बनारसीदास जैन के द्वारा की गई थी, बनारसीदास जैन के द्वारा यहाँ पर की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अर्ध, अच्छा रुकिए, यहाँ पर भी आपका वही अर्धकथानक और अगला आपसे दिया भी गया है, दोनों एक सेम हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि सेम टू सेम है, अर्धकथानक की सुविधा की रचना है। तो आप कहेंगे अर्धकथानक क्या है, ये आपके आत्मकथा है, जो आपने ऊपर पढ़ा क्वेश्चन उसी का आंसर नीचे आपको दिया भी गया है ना। और ये आपके 1641 में बनारसी दास ने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। आगे बढ़िएगा कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। चलिए बताइएगा कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है 48 नंबर में। तो यहाँ पर इरावती ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या? ये अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 49 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका गोदान है, सेवा सदन है, कर्मभूमि भी है ना, लेकिन शेखर जीवनी नहीं है, है ना। यहाँ पर शेखर जीवनी नहीं है दोस्तों। ये बताइएगा कि शेखर जीवनी किसकी रचना है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बताइएगा शेखर जीवनी किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये जो आपका है उपन्यास है, लेकिन किसका है? ये है आपके अज्ञे का है, ठीक है। अज्ञे द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है शेखर जीवनी, क्लियर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में रिपोताज का आरंभ किस युग में हुआ था। हिंदी में रिपोताज का जो आरंभ हुआ था ये किस युग में हुआ था। दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा छायावादोत्तर युग, या इसे हम लोग बोलते हैं प्रसादोत्तर युग भी बोलते हैं, ठीक है ना। छायावादोत्तर युग बोलते हैं, या तो इसे प्रसादोत्तर युग भी बोला जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा एक पॉइंट और पूछा जाता है कि रिपोताज का जनक, रिपोताज का जो जनक माना जाता है वो किसे मानते हैं। तो रिपोताज का जनक माना जाता है शिवदान सिंह चौहान। क्या? शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हमारी यात्रा के यात्रा मतलब यात्रा वृत्ताकार आपके कौन है। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्ताकार आपके कौन से हैं 51 नंबर में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लोचन प्रसाद पांडे। क्या? लोचन प्रसाद पांडे, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र का नाम क्या है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र का नाम पूछा गया है, और यहाँ पर 52 का ऑप्शन आपका यहाँ पर रेखा चित्र भी है और आपका सेतुबंध भी है। अर्थात जो ऑप्शन दिया गया सी नंबर ए और बी दोनों ही बनारसी दास चतुर्वेदी के क्या है, रेखा चित्र है, जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि अमित रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्र हैं। अमित रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार में से हैं कौन, 53 नंबर में। दोस्तों यहां पर 53 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, सत्यवती मल्लिक। क्या हो जाएगा? सत्यवती मल्लिक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना किसकी है। चलिए गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना है यहाँ पर बताना है 54 नंबर में, और 54 का ऑप्शन हो जाएगा कर्मवीर गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना क्या है, तो कर्मवीर गांधी है इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला दीजिएगा कि इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छांटना है। चलिए जगन्नाथ दास जो रत्नाकर हैं इनकी इनमें से कृति कौन सी है, 55 का ऑप्शन दीजिएगा।
चलिए उद्धव शतक, देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उद्धव शतक इनकी आपकी रचना है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। आगे बढ़िएगा, निहार की रचना किसने की है, निहार की जो रचना किया है वो किसने किया है, यहाँ पर जो 56 नंबर है ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर निहार जो कि आपके महादेव वर्मा, क्या हो जाएगा महादेव वर्मा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे शिवराज भूषण क्या है, शिवराज भूषण के रचयिता इनमें से कौन है, शिवराज भूषण चिता पूछा गया है और 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिए भूषण क्या हो जाएगा, भूषण जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है, इनमें से सूरदास की कृति पूछा गया है, तो वही 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका है ना साहित्य लहरी ये किसकी है, आपकी सूरदास की है, ठीक है साहित्य लहरी किसकी है, तो आपकी सूरदास की 58 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए जो आपकी कवितावली है गीतावली है ना ये किसकी है, तो आपकी तुलसीदास की है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछ, देखो साहित्य लहरी सूर सारावली सूर सागर है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तुलसीदास की नहीं है आपसे पूछा गया 59 में, तो 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए रामचरितमानस भी है यहाँ पर, कवितावली भी है गीतावली भी है लेकिन साकेत नहीं है, तो चलिए फिर साकेत किसकी रचना ये भी जवाब दे दीजिए, साकेत रचना है किसकी है, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 59 में, साकेत जो रचना है वो आपकी किसकी है, मैथिली शरणगुप्त, बिल्कुल सही है ये मैथिली शरणगुप्त की है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 60 देना है, तो चलिए महादेव वर्मा निहार, देखिए पहला पॉइंट आपका बिल्कुल राइट हो गया है, क्यों क्योंकि कामायनी तो आपकी मैथिली शरणगुप्त की है नहीं है, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है, तोड़ती पत्थर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और यहाँ पर साकेत मैथिली शरणगुप्त का है, ठीक है ना, इस कारण पहला भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही दिया गया 61 नंबर में, तो चलिए दिया गया है प्रीप्रवास मैथिली शरणगुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय, क्या होता है प्रीप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, पहला ही पॉइंट आपका यहां पर राइट हो जाएगा है ना, क्योंकि जो आंसू है आपके जयशंकर प्रसाद की है ना, तो इसका कारण यहां पर आपका फर्स्ट नंबर सही है। अगला है महाकवि भूषण की रचना बताना है, महाकवि भूषण की रचना इनमें से कौन सी है 62 नंबर में, चलिए 62 नंबर की ऑप्शन बात किया जाए तो आपका हो जाएगा छत्रसाल दशक, क्या हो जाएगा छत्रसाल दशक जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ये भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, 63 का ऑप्शन दीजिएगा क्या हो जाएगा, चलिए ये नाट्यशास्त्र में, बिल्कुल सही जवाब आ गया है सभी का, जवाब हो जाएगा बी नंबर है, ये नाट्यशास्त्र में किया है दोस्तों, याद रखिए नाट्यशास्त्र में किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चन थे लाजवाब थे बेहतरीन थे, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग कर दिया करें, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कर दिया करें।